नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दतिया विधानसभा आम निर्वाचन के उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख को दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती, भांडेर से भाजपा के घनश्याम पिरोनिया एवं सीवड़ा से बसपा के लाखन सिंह यादव ने अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किए। जानकारी के अनुसार अंतिम दिन सीवड़ा से 16 अभ्यर्थियों ने और भांडेर से 8 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। उल्लेखनीय है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद तस्वीर कुछ साफ होती दिखाई देने लगी है, जहां दतिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर नरोत्तम मिश्र कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती के समक्ष कांटे का संघर्ष होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वहीं सेवड़ा क्षेत्र में घनश्याम सिंह कांग्रेस, प्रदीप अग्रवाल भाजपा, दामोदर सिंह यादव अपना समाज पार्टी, संजय दुबे आम आदमी पार्टी एवं लाखन सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के बीच पंचकोणीय संघर्ष की विषम परिस्थिति बन गई है। यहां सभी उम्मीदवार दमदार से ताल ठोक रहे। इसी तरह भांडेर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के घनश्याम पिरोनिया का मुकाबला कांग्रेस के फूल सिंह बरैया के साथ होता दिखाई देने लगा है। अन्य किसी दल का दमदार प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं दिख रहा है। जिले की तीनों सीटों पर सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का डंका पीट रहे हैं। भारती जी, आज आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल करे हैं, तो इतना टाइम क्यों लगा आपको नामांकन दाखिल करने में और लोगों की अपेक्षा? नहीं, नामांकन फॉर्म जमा करने में जो समय लगता है उसकी चूंकि बहुत विस्तृत जानकारी देना पड़ती है, उसमें जानकारी भरने में समय लगता है, वही समय लगा जो लगना चाहिए। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेके जाएंगे? जनता के बीच में सबसे पहले तो विकास कार्यों को लेके जाया जाता है और वही लेके जाएंगे, और खास करके जो नौजवानों की उम्मीद होती है कि जब सरकार बनेगी और यहाँ उनका प्रतिनिधि बनेगा तो बेरोजगारों को रोजगार मिले, सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। आज के स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की 20 साल की सरकार ने और केंद्र में 10 साल की मोदी सरकार ने रोजगार के सारे साधन मिटा दिए हैं। जनता बेरोजगार नौजवान बहुत निराश और हताश है। ऐसी परिस्थिति में नौजवान कांग्रेस की ओर देख रहा है, और निश्चित रूप से आप मानिए कि हम इस तरह की कोई धोखेबाजी और 420 नहीं करेंगे जिस तरह से पूर्व में 2008 में गृह मंत्री ने 108 करोड़ रुपए की स्टील फैक्ट्री लगाने का शिलान्यास किया था, रोपवे का काम करने के लिए कहा था, 14,000 करोड़ रुपए का वो आपका दो यूनिट बिजली उत्पादन इकाइयां लगाने की बात की थी, 25,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज मरम्मत लगाने की बात की थी। तो जिस तरह से उन्होंने छल कपट और धोखाधड़ी की है, उस तरह की बात हम कांग्रेस ही ना करते हैं और न करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता हम लोगों पर, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के निवासी हैं, जनता हम लोगों पर पूरा भरोसा करती है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भांडेर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया था, और आज मैं माँ पीताम्बरा के श्री चरणों में, रामगढ़ वाली माता के श्री चरणों में प्रणाम करके अपना यहाँ मैंने आज फॉर्म जमा किया है। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी सरकार 2023 में फिर से बन रही है। मध्य प्रदेश से लेके केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो लोगों के सिर पर चढ़ के बोल रहा है। हमने जनमानस के कल्याण के लिए जो जनहित के काम किए हैं उन सब कार्यों को लेकर हम जनमानस की जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कमल मध्य प्रदेश के साथ साथ दतिया की तीनों सीटों पर खेलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपके विधानसभा क्षेत्र उन्नाव में नदी के ऊपर पुल की लंबे टाइम से डिमांड है, वो आज तक पूरी नहीं कर पाए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने शिलान्यास किया था, काम प्रारंभ है। यादव जी, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी से। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र क्या स्थिति है सेवड़ा में, कितने लोगों से फाइट है? हमारी किसी से फाइट नहीं, हम तो नंबर एक पर है। विकास की क्या गति रहेगी सेवड़ा की? सेवड़ा की जो 75 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। कोई कार्य योजना बनाई हो आपने? बहुत कार्य योजना है, अभी तक जीरो रही वहाँ पर। अभी आप लड़े थे बीएसपी से? जी सर, पिछली बार कांग्रेस ने धोखे से किसानों को ठग लिया, 2 लाख के कर्जे की घोषणा करके, और किसानों ने कांग्रेस की सरकार बनाई और वो कांग्रेस के सरकार के जो लोग थे वो बिक गए और बीच में ही सरकार डूब गई।
ना किसानों को फायदा हुआ ना कांग्रेस को फायदा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि सेवड़ा विधानसभा में जो 75 साल में जो बाहर के लोग हमारी सेवड़ा विधानसभा को चारागाह समझते रहे हैं और बाहर के लोगों ने हमारे सेवड़ा विधानसभा के लोगों को ठगा है, निश्चित रूप से 2023 में वहाँ का मतदाता उनको सबक सिखाएगा और 2023 में हाथी भोपाल पहुँचेगा, ये निश्चित है। किस प्रत्याशी से मुकाबला रहेगा? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, ये सब दतिया के मेहमान हैं और दतिया की ओर वापस चले जाएंगे। आपके क्षेत्र में 3 पुल टूटे हैं जी, तो उनको बनाने के लिए क्या योजना है? इसमें देखिए साहब, वर्तमान सरकार कांग्रेस की है, वर्तमान सरकार उस समय कांग्रेस की थी और अभी बीजेपी की है। स्थानीय विधायक भी सुस्त रहा, उसने कोई मांग नहीं की और वर्तमान की जो सरकार बीजेपी है उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक जो सेवड़ा का जो किसान है, जो सेवड़ा की जनता है, जो भगुआपरा से ग्वालियर 60 किलोमीटर है, वो लार होके गोराघाट होके 160 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है हर आदमी, और ऐसा 10,000 आदमी रोज़ाना परेशान हो रहा है और इन गद्दारों की वजह से ये पूरा मतदाता परेशान है कि पुल ढहे, एक भी पुल नहीं बना, ना विधानसभा में आवाज़ उठी, ना कोई आंदोलन हुआ और ना बीजेपी ने इस बात के लिए सोचा। बीएसपी ने भी अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया पुलों को लेकर? बीएसपी के लिए लगातार आंदोलन रहा, चूँकि सरकार बीजेपी की थी और वर्तमान विधायक कांग्रेस का था, लेकिन आंदोलन बीएसपी का लगातार रहा। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।